नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव पांडे, टारगेट विथ हालो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो देखा होगा, चीज़ों को नोट्स बना रहे होंगे, आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें। देखिए दोस्त, मेंटली प्रेशर लेकर एकदम नहीं पढ़ना चाहिए, हमेशा फ्री माइंड एकदम रिलैक्स होकर पढ़ाई करनी चाहिए, ठीक है। मेंटली प्रेशर से पढ़ने से सिर्फ ये रहता है कि कुछ पढ़ाई नहीं होती है और चीज़ें सब उसी में मिलती रहती हैं। हाँ, जैसा कि आज की हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे गांधी एक नज़र की दृष्टि से, ठीक है, एक दृष्टि में, एक नज़र में, तो हमने वहां पर कहां तक, खिलाफत पार्टी तक लाके आपको ड्रॉप कर दिया था। उसके आगे कंटिन्यू करेंगे हम, तो उसके आगे कंटिन्यू हम किससे करेंगे, असहयोग आंदोलन से। हुआ क्या था कि 1 अगस्त 1920 को गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने को कहा था। क्या असहयोग आंदोलन, ये जो शब्द है असहयोग, मतलब क्या निकलता है इसका? असहयोग का अर्थ होता है सहने ना योग्य। क्या ना सहने ना योग्य? जलियांवाला बाग हत्याकांड ना सहने योग्य, ठीक। इराक को तुर्की से अलग कर देना सहने ना योग्य। तो हुआ क्या था कि जो खिलाफत पार्टी का गठन किए थे अली ब्रदर्स ने, तो उसमें केवल मुस्लिम लोगों की भागीदारी ज्यादा थी, इस्लाम धर्म के भाइयों की। लेकिन गांधी ने उनसे मुलाकात की अली ब्रदर से, और गांधी ने उनसे कहा कि अगर आप इस खिलाफत पार्टी कमान हमको सौंप देंगे तो हम इसको एक बृहद रूप में चलाएंगे जिसे भारत छोड़ो जिसे असहयोग आंदोलन के नाम से जाना जाएगा। तो चूंकि गांधी के कहने पर अली ब्रदर्स ने खिलाफत पार्टी की कमान गांधी को सौंप दी और गांधी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इसी आंदोलन के दौरान गांधी ने अपनी उपाधियों का अंत भी किया, जैसे कैसरे हिंद हो गया, जुलू युद्ध हो गया, अफ्रीका में उन्होंने डच को स्वतंत्रता दिलाई थी तो वहां पर उनको बोर पदक की उपाधि से नवाजा गया। तो इसी के दौरान गांधी ने अपनी तमाम उपाधियों का क्या कर दिया, अंत कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि इसी समय कर्नाटक में एक विद्रोह चल रहा था जिसे मोपाला विद्रोह के नाम से जानते हैं। 1921 में गांधी कर्नाटक गए, वो मोपालाओं से मुलाकात किए और उनके कहने पर मोपाला विद्रोह का विलय किसमें हो गया, बिल्कुल सही, असहयोग आंदोलन में। और फिर 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर हिंसक घटना हो गई जिसके कारण गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। रीजन क्या था कि वहां पर चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन में लगभग 13 पुलिस कर्मियों को बंद करके जिंदा जला दिया गया। तो भारत की स्वतंत्रता में जो गांधी के आखिरी आंदोलन की, मतलब जो गांधी की आखिरी हिस्सेदारी थी, वो किसमें थी, असहयोग आंदोलन। ठीक, कब हुआ, 1 अगस्त 1920 को। शुरुआत में चेम्सफोर्ड था और एंडिंग के समय रीडिंग था, भारत का वायसराय। और रीडिंग जो है ये भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय भी है। कभी पूछा गया कि भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय कौन है, तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग। तो जैसा कि हमने क्या कहा कि असहयोग आंदोलन में गांधी का समर्थन किसने किया था, अली ब्रदर्स ने किया था। और गांधी ने इनके समर्थन से 1 अगस्त 1920 को कौन सा आंदोलन प्रारंभ कर दिया, असहयोग आंदोलन। एक और खास बात है कि इसी दिन, जिस दिन यह आंदोलन प्रारंभ हुआ, इसी दिन बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के बाद भी इसी दिन इस आंदोलन की शुरुआत की गई और इस आंदोलन के प्रस्ताव के विरोध में सीआर दास थे, लेकिन इस आंदोलन को बंगाल में जो सबसे बड़ा समर्थन भी मिला वो सीआर दास ने किया। तो हमने क्या कहा कि इस आंदोलन का समर्थन बंगाल में किसने किया, सीआर दास ने। और इसी आंदोलन के दौरान गांधी ने अपनी कैसरे हिंद, जुलू युद्ध, और बोर पदक जैसी उपाधियों का क्या कर दिया था,
अंत कर दिया था या उन्होंने इन उपाधियों को क्या कर दिया था, इन उपाधियों को त्याग दिया था। और इसी आंदोलन के दौरान 1921 में कर्नाटक में मोपाला विद्रोह चल रहा था। मोपाला विद्रोह क्या था समझिए, कर्नाटक में जो काले लोग थे उन्होंने हिंदू धर्म को छोड़कर इस्लाम धर्म को अपना लिया था और उनको हिंदू जमींदार लोग काफी पीड़ित करते थे, जिसके कारण उन्होंने हिंदू जमींदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। लेकिन गांधी के कहने पर मोपाला विद्रोह का विलय किसमें हो गया, असहयोग आंदोलन में। हो सकता है आपसे कभी पूछ लिया जाए कि मोपाला विद्रोह का विलय किस आंदोलन में हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन में। और इसी आंदोलन के दौरान जो प्रमुख कार्यक्रम था वो था चरखा बांटना, सूत काटना, मतलब स्वदेशी और बहिष्कार, सेम चीज जो बंगाल विभाजन के दौरान हुआ, मतलब स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करना और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना इस आंदोलन का प्रमुख कार्यक्रम था। और इसी आंदोलन के दौरान कई सारे भारतीय विद्यालयों की स्थापना हुई, जैसे काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, इन तमाम कॉलेजों की स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान ही हुई। जैसे कौन कौन सा, काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, और गुजरात विद्यापीठ। इसके अलावा जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज की भी जो स्थापना हुई वो भी किस आंदोलन के दौरान हुई, असहयोग आंदोलन के दौरान। जैसा कि हमने क्या कहा कि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घांट हो गया। कब, 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ। और चौरी चौरा कांड से आहत होकर, क्योंकि गांधी जो थे वो अहिंसा के पुजारी थे, तो चौरी चौरा कांड हुआ जिसके कारण 12 फरवरी 1922 को गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। जब गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया तो फिर ये हुआ कि भाई जो देश वालों में राष्ट्रप्रेम की भावना चल रही है अब क्या होगा, आंदोलन तो खत्म हो गया जो तीव्र रूप से चल रहा है। इसीलिए लोगों में राष्ट्रप्रेम की भावना को बरकरार रखने के लिए सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने, समझिएगा, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन किया। कब, 1923 में इलाहाबाद में किस पार्टी का गठन किया, स्वराज पार्टी का। और ये गांधी का अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के बाद भारत में चौथा एक ऐसा आंदोलन था जिसमें इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्या था कि 1928 में बरदौली सत्याग्रह चल रहा था, बरदौली गुजरात में था, और बरदौली सत्याग्रह में सफलता दिलाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और बरदौली सत्याग्रह में सफलता के बाद ही बरदौली की महिलाओं ने गांधी की सहायता से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। हम बार बार कह रहे हैं ये सुपर टेट के लिए है, स्पेशली सुपर टेट बैच के लिए स्पेशली, क्योंकि आपको इतिहास उतना नहीं पढ़ना है, आपको केवल स्वतंत्रता संग्राम ही पढ़ना है। लेकिन हमने ये कहा है कि प्राचीन से भी सवाल आते हैं तो उसका भी एक संक्षिप्त रूप हम आपको पढ़ाएंगे बैच में पढ़ाएंगे। और बैच से जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल अपना फोन उठाइएगा, सुपर टेट एंट्री सुपर टेट लिखकर 9125423936 पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा और हमारे मैनेजमेंट के द्वारा आपको जोड़ दिया जाएगा। एक बार भरोसा तो करिए, आगे हम आपको लेके जाएंगे। चलिए,
हमने बार मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, केवल ये गांधी का एक संक्षिप्त रूप एक नजर में है जो कि आपके लिए जरूरी है, और यहां से सवाल एक ना एक सवाल आपको डैम श्योर रहेंगे। तो बरदौली सत्याग्रह के बाद क्या हुआ कि गांधी का भारत में जो पांचवा आंदोलन था जिसमें उन्होंने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन या डांडी मार्च, जिसको हम नमक आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। और यही नहीं, इस आंदोलन को नागरिक अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। रीजन क्या है कि गांधी भले अहिंसक के पुजारी थे लेकिन इनके जीवन पर हिंसात्मक व्यक्तियों का प्रभाव था। अफ्रीका का एक क्रांतिकारी था हेनरी डेविस थोरो, और हेनरी डेविस थोरो ने अफ्रीका में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया था, मतलब नागरिक अवज्ञा आंदोलन। नहीं समझ में आ रहा, आप बताते। आप अगर किताब में पढ़ते होंगे तो किताब में देखते होंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन लिखा रहता है और उसका जो इंग्लिश ने लिखा रहता है इंग्लिश वर्ड वो लिखा रहता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, लेकिन सिविल की हिंदी तो नागरिक होती है। और ये जो आंदोलन चला, ये आंदोलन नमक कर को बढ़ाने की वजह से चला। भाई ऐसा क्यों? नमक एक ऐसी आधारभूत चीज है जिसके दाम में कितनी भी बढ़ोतरी कर दी जाए या जितनी भी कटौती कर दी जाए वो उसी मात्रा में इस्तेमाल होता है। मान लीजिए नमक का दाम 50 पैसा है तो 1 किलो तो डाल के हम खा नहीं लेंगे, और मान लीजिए नमक का दाम 1 करोड़ है तो हम नमक खाना छोड़ भी नहीं सकते, मजबूरी है, वी नीड अ सॉल्ट। यही रीजन है कि नमक कर के विरोध में गांधी ने नमक आंदोलन किया। तो जो सक्रिय रूप से जिसमें हिस्सा लिए उस आंदोलन को हम 4 नाम से जानते हैं, नमक आंदोलन, डांडी मार्च, सविनय अवज्ञा आंदोलन और नागरिक अवज्ञा आंदोलन। और इस समय जो भारत का वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड इरविन था। इसको डांडी मार्च के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि गांधी ने अपने साबरमती आश्रम से लेकर डांडी तक की यात्रा प्रारंभ की थी। 12 मार्च 1930 को गांधी अपने साबरमती आश्रम से अपने 78 अनुयायियों के साथ डांडी, जो कि गुजरात के नौसारी जिले में स्थित है, वहां तक ये यात्रा की जो 241 मील था। और गांधी वहां पर 5 अप्रैल को पहुंचे और उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल को कर दी। लेकिन गांधी ने कहा था कि उनकी गिरफ्तारी के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व तैयब जी करेंगे, और अगर तैयब जी भी गिरफ्तार हो गए तो इस आंदोलन का नेतृत्व सरोजनी नायडू जी करेंगे। और इसी डांडी मार्च के दौरान ही गांधी जी जो 2 लाइनों का जो उच्चारण करते थे वो कौन कौन सा था? रघुपति राघव राघा राजा राम, जो विष्णु दिगंबर पलुस्कर का था, और दूसरा है वैष्णो जन तो तैनो कहिए, जो वैष्णो संत नरसी मेहता का है। भाई गांधी भी गिरफ्तार हो गए, तैयब जी भी गिरफ्तार हो गए, फिर महाराष्ट्र के धरसना नमक मिल में इस आंदोलन का नेतृत्व सरोजनी नायडू और गांधी के पुत्र मणिलाल ने किया। यहां तक समझा देते हैं। हमने क्या कहा, 12 मार्च 1930 को अपने साबरमती आश्रम से, कहां से? साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ गांधी ने डांडी तक की यात्रा प्रारंभ की, जो कि गुजरात के नौसारी जिले में था। साबरमती से डांडी तक का जो डिस्टेंस था वो 241 मील था, और डांडी यात्रा के दौरान ही गांधी रघुपति राघव राजा राम जो किसका था?
विष्णु दिगंबर पलुस्कर का। और वैष्णो जनताओं तैनो कहिए, वैष्णो जन तो तैनो कहिए, किसका था ये? नरसिंह मेहता का। इसका ये उच्चारण करते रहे और इन्होंने कहा था कि इनकी गिरफ्तारी के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व तैयब जी करेंगे और तैयब जी भी गिरफ्तार हो गए तो इस आंदोलन का नेतृत्व कौन करेंगे? सरोजिनी नायडू। इस आंदोलन की खास बात क्या है कि उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में, देखिए हम आपको अभी आंदोलन नहीं पढ़ा रहे हैं, हम बार बार कह रहे हैं, हम केवल गांधी से जुड़ी हुई बातें आपको बता रहे हैं जहां से प्रश्न बन सकते हैं। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में एक व्यक्ति थे खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। जिन्होंने खुदाई खितमतगार नामक संगठन बनाया था। खुदाई खितमतगार कहने का मतलब होता है ईश्वर का सेवक। और इस संगठन के सभी लोग लाल रंग का वस्त्र पहनकर, लाल कुर्ती पहनकर यह आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, इसीलिए इस आंदोलन को लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना गया। और खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी फ्रंटियर गांधी और फखरे अफगान के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी और फखरे अफगान के नाम से भी जाना जाता है। और यही उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत के लोगों ने ही गांधी को मलंग बाबा की उपाधि दी थी। तो कभी पूछा गया कि गांधी को मलंग बाबा की उपाधि किसने दी या कब दी गई, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दिया गया। और कहां के लोगों ने दिया? उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के लोगों ने। लेकिन क्या था दोस्तों कि इसी समय गोल में सम्मेलन प्रारंभ हो गया था और कांग्रेस ने गोल में सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया था, तो इसीलिए कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा था, जिसकी वजह से 5 मार्च 1931 को गांधी अरविंद समझौता होता है और कांग्रेस द्वितीय गोल में सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए तैयार हो जाती है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो अंत हुआ वो 5 मार्च 1931 को हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौते के नाम से जानते हैं या जिसको दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं। और इसी गांधी इरविन समझौते के दौरान सरोजिनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा कहा था। पहले महात्मा तो हमारे गांधी हो गए जिनको चंपारण के दौरान मिला था। हमेशा याद रखिएगा कि अगर पूछ लिया गया कि सरोजिनी नायडू ने किसको दो महात्मा की उपाधि दी थी, तो आंसर हो जाएगा गांधी और इरविन को दो महात्मा की उपाधि दी गई थी। किसने दिया था? सरोजिनी नायडू। तो इसी प्रकार किस आंदोलन का अंत हो गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। लेकिन जब द्वितीय गोल में सम्मेलन में, सॉरी स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे आप, ले लीजिए। लेकिन जब द्वितीय गोल में सम्मेलन में कोई निष्कर्ष नहीं निकला और गांधी जब द्वितीय गोल में सम्मेलन के बाद वापस आए, तो 4 जनवरी 1932 को गांधी ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इसी समय अंबेडकर का उदय हुआ था और अंबेडकर पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए बार बार मुद्दा खड़ा कर रहे थे। कहां पर? गोल में सम्मेलन में। इसीलिए मैकडोनाल्ड, जो कि उसमें ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, रैमसे मैकडोनाल्ड,
उसने दिमाग के साथ खेला और सांप्रदायिक पांचाट भारत में पारित कर दिया। और सांप्रदायिक पांचाट के तहत यह कहा गया कि पिछड़े वर्ग को लोगों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की बात कही गई, मतलब उनका अपना चुनाव होगा फलाना ढमाका जो होगा। यह सुनकर गांधी काफी अपसेट हुए और गांधी 20 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए। भारत के लिए यह किया गया गांधी का सर्वप्रथम आमरण अनशन था। आपसे पूछ लिया गया कि गांधी का सर्वप्रथम आमरण अनशन कब हुआ था, तो फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा, जब सांप्रदायिक पांचाट पारित हुआ। तो जब गांधी की हालत खराब होने लगी तो सी राजगोपालाचारी और राजेंद्र प्रसाद के कहने पर अंबेडकर ने गांधी से मुलाकात की और 24 सितंबर 1932 को गांधी के मार्गदर्शन में, गांधी के नेतृत्व में मदन मोहन मालवीय और अंबेडकर के बीच में एक समझौता हस्ताक्षर हुआ जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो गांधी का जो अगला योगदान था भारत में वो था 24 सितंबर 1932 को, किसमें था, पूना पैक्ट। क्योंकि हमने क्या कहा कि जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कोई हिस्सा नहीं निकला तो 4 जनवरी 1932 को गांधी ने द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। क्या प्रारंभ कर दिया, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसके बाद गांधी को पकड़कर पुणे के यरवदा जेल में बंद कर दिया गया। और इसी समय अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड ने पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए सांप्रदायिक पांचाट पारित किया था। यह भी पीसीएस लोअर में आया था यह सवाल, सांप्रदायिक पांचाट किसने पारित किया था। सांप्रदायिक पांचाट पारित किया जिसमें पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की क्या कही गई थी, बात कही गई थी। और यह सुनने के बाद 20 सितंबर 1932 को गांधी आमरण अनशन पर बैठ गए थे। और कभी भी आपसे पूछ लिया गया कि गांधी ने सर्वप्रथम अपना आमरण अनशन कब किया था, तो पूना समझौता के तहत, जब इनकी हालत खराब होने लगी तो गांधी के नेतृत्व में अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय के बीच में 24 सितंबर 1932 को कौन सा समझौता होता है, पूना समझौता होता है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान ही विंस्टन चर्चिल ने, याद रखिएगा, विंस्टन चर्चिल ने गांधी को देशद्रोही फकीर कहा था। क्या कहा था, देशद्रोही फकीर कहा था। और फ्रैंको मॉरिस ने, मैं आपको एकदम एग्जैक्ट आंसर बता रहा हूं, किताबें विंस्टन चर्चिल लिखती है, गलत है, फ्रैंको मॉरिस ने गांधी को अर्धनंगा फकीर कहा था। क्या कहा था, अर्धनंगा फकीर, फ्रैंको मॉरिस ने अर्धनंगा फकीर और विंस्टन चर्चिल ने देशद्रोही। इसके बाद गांधी का जो भाग हुआ सक्रिय रूप से वो था भारत छोड़ो आंदोलन में। इसमें ये हिस्सा नहीं ले पाए, रीजन क्या था कि जब भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ तो गांधी ने इसी समय करो या मरो का नारा दिया था। लेकिन 9 अगस्त की सुबह क्या हुआ, ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया और सभी बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें सबसे पहले गांधी, कस्तूरबा गांधी और सरोजनी नायडू जी गिरफ्तार। और फिर क्या हुआ कि जब भारत में कैबिनेट मिशन आया और कैबिनेट मिशन कांग्रेस ने अपना लिया, लेकिन मुस्लिम लीग वालों ने ठुकरा दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग मतलब मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान चाहिए था। इसी वजह से कहा जाता है कि भारत में वो जो एक साल में हिंसक घटनाएं हुई वो पिछले हजारों साल में नहीं हुई, और गांधी अकेले ही इस हिंसा को दबाने में लगे थे। और इसी समय भारत के आखिरी वायसराय माउंटबेटन ने गांधी को वन मैन बाउंड्री की संज्ञा दी थी। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बता देते हैं, 2-3 पॉइंट और है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 8 अगस्त 1942 को गांधी ने
करो या मरो का नारा दिया था, और माउंटबेटन ने गांधी को वन मैन बाउंड्री की संज्ञा दी थी। किसकी? वन मैन बाउंड्री की संज्ञा दी। और 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी को गोली मार दी और गांधी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ये गांधी के बारे में कुछ घटनाएं हैं जो इनके जन्म 1869 से लेकर 1948 तक हुआ है। यहां से एक न एक प्रश्न अवश्य आपका बनेगा, इस बात का मैं दावा कर रहा हूं। चाहे आप अभी मत समझिए, अभी मजाक में लीजिएगा, लेकिन पेपर दे के आएंगे तो आप कहेंगे कि हाँ सर आपने सही कहा था, पक्का बनेगा। तो आज की क्लास में इतना ही। इसके अलावा अगर अगला कोई वीडियो होगा तो उसमें दूसरे टॉपिक को पढ़ाया जाएगा। बैच से जुड़िए, बैच में क्लासेस रेगुलर चल रही हैं, सारी चीजें मिल रही हैं आपको। इतिहास 15 से 16 दिन लगता है खत्म होने में, कोई छोटा नहीं, इसलिए मैं कोई ऐसी चीज नहीं पढ़ा रहा हूं कि जो बहुत टफ हो। हम इसलिए कांग्रेस आपको सिखा दिए ट्रिक से, पलासी बक्सर बता दिए आपको, उसके साथ साथ ये गांधी के बारे में पूरे एक नजर में आपके सामने आ गया है। इन चीजों को रिवाइज कर लीजिएगा। तब तक के लिए सेहत का ध्यान रखिएगा, हम फिर मिलेंगे किसी दिन नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।